हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण। आज मैं आपको टमाटर का अचार बनाना बताऊंगी। इसे टमाटर की चटनी की तरह भी खा सकते हैं और यह खाने में बहुत ही अधिक टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 350 ग्राम के करीब टमाटर लिए हैं। टमाटर हमें ऐसे लेने हैं जिनमें अधिक पल्प हो, जो सलाद में खाया जाता है। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर को वॉश करके इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है मैंने। ये चटनी बहुत जल्दी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, मैंने सभी टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा और 1/4 स्पून मेथी दाना डालकर इसे रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाना की मात्रा मैंने कम इसलिए रखी है क्योंकि इसके अधिक हो जाने पर चटनी में कड़वापन आ जाता है। यहाँ पर मैंने राई का यूज़ किया है। अगर आपके पास राई नहीं है तो आप काली सरसों या पीली सरसों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे। मसालों में खुशबू आने लगी है, हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक मिक्सर जार में निकाल लूँगी और इन्हें ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। इन्हें हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, इन मसालों को हमें दरदरा ही पीसना है। देखिए, मैंने इनको पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के डाल देंगे। कोई भी अचार बनाए उसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए, इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि हम अचार बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा तेल अधिक ही डलेगा। मैंने लिया है 5-6 हरी मिर्च, जिनको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक। तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हींग डाल दूंगी और फिर अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसमें कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसके इनके कच्चापन दूर ना हो जाए। देखिए, अब ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से चला लूंगी। गैस की फ्लेम को हाई मीडियम रखना है और इसे बिना ढके ही पकाना है। इसे चलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। इस चटनी को आप 5-6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यह खाने के स्वाद को दुगना कर देती है। इसे आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमें इसे लगातार चलाते हुए और थोड़ी देर पका लेना है। देखिए, थोड़ी देर और मैंने पका लिया है। अब ये थोड़े थोड़े ऑयल छोड़ने लग गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लूँगी। इसे चलाते हुए हमें पकाना है। आप देख सकते हैं टमाटर ने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन इसे हमें अभी और पकाना है। टमाटर में थोड़ा सा ऑयल आ गया है। अब इसमें भुना पिसा मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा और चला लेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। ये अचार फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर घर में बनाएं और आप इसे एक बार बनाकर महीनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अब देखिए मैं अब इसमें एक चम्मच नमक भी डाल देती हूँ और इसे चला लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे। इसमें हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है, आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब हमारा टमाटर का अचार बनकर तैयार है। ये देखिए पानी भी अच्छे से सूख गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अचार हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। अगर आपको अचार अधिक दिनों तक स्टोर नहीं करना है तो आप विनेगर को स्किप भी कर सकती हैं। विनेगर डालने से यह अचार आप 7 से 8 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद एक कांच के जार में या एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख दें। जब भी अचार को निकालें तो साफ और सूखे चम्मच से ही निकालें और अचार को डिब्बे के तले से ही निकालें। अगर आप ऊपर से निकालेंगे तो अचार का ऑयल जो कि ऊपर ही रहता है वह निकल जाएगा और अचार ख़राब भी हो सकता है। अचार के ऊपर का तेल बना रहना चाहिए। इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल चावल, खिचड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।